अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सन्या अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ भिंडी। चलो आइए शुरू करते हैं भिंडी की रेसिपी। ये है भिंडी जो हमने काट के रखी है मोटे मोटे टुकड़ों में। ये आप देख सकते हैं कितने मैंने एक एक इंच के इसके टुकड़े काट लिए हैं। ये इसके अंदर जाएंगे टमाटर जो के हैं 3 मीडियम साइज़ के, और ये हैं हरी मिर्चें जो के हैं 15 से 20 अदद, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये देखें आप। और ये है प्याज जो कि 5 से 6 घंटी है दरमियानी। ठीक है जी, ये जाएंगे इसके अंदर स्पाइसेस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ी सी पिसी मिर्चें। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसाले और ऐड कर सकते हैं, मिर्चें, नमक, जो भी आपका टेस्ट हो उसके मुताबिक। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। है चूल्हे के ऊपर, और अब हम इसके अंदर अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो चुका है जी हाँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, प्याज हो रही है फ्राई, तकरीबन हो ही चुकी है। बस अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ज़ीरा, ताकि इस कलर की ही प्याज बेहतर रहेगी और ज़ीरे में से आ जाए खुशबू। फिर हम डालेंगे अपने बाकी के मसाले। प्याज अगर ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी भिंडी हो जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा, लुक उसका जायका नहीं आएगा, और प्याज जब जल जाती है तो वाकई बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, ये जो जीरा भी हो चुका है हमारा तकरीबन, हम इसके अंदर डाल रहे हैं भिंडी। जी हाँ, ऐसे करके जाएगी इसके अंदर भिंडी। अब डालेंगे हम अपने बाकी के स्पाइसेस, हल्दी, कुटी मिर्च और नमक, और ये जाएंगे हमारे टमाटर, हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से, और हम कर देंगे इसको मिक्स वो भी अच्छी तरीके से। आ रहा है ना मुंह में पानी, लग रही है ना वाकई मज़े की, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके फाइनल लुक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हम इसको रख देंगे दम पर। ये देखेंगे इसी तरह खिली खिली रहेगी और ये बहुत मज़े की बनती है। जी हाँ, अब हम कर देते हैं इसका ढक्कन बंद और इसको पकाते हैं हम दम पे। बिल्कुल चूल्हे की आँच हमने कर दी है स्लो, और ये लगा दिया हमने अपने ये ढक्कन। जी देख लें जी, ये भिंडी बन चुकी है, मसालेदार भिंडी, प्याज वाली, टमाटर वाली, जो कि बहुत ही मज़े की है। आप खाएंगे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। देख लें जी, इसके लोग ये बिल्कुल काली नहीं हुई है, बिल्कुल मज़ेदार बनी है। जब आप खाएंगे, ख़ुद से बनाएंगे तो आपको वाकई यकीन आ जाएगा कि ये भिंडी वाकई बहुत मज़े की बनी है।